अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ इस बेल आइकन को दबाएं कि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ई मित्र के लिए आप फ्री में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप सरकार की सारी योजनाएं फ्री में किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, घर बैठे ही आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं राजस्थान में ई मित्र जिस तरीके से यूज होता है, तो आप काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर ई मित्र द्वारा हम किस तरीके से आय मूल जाति सरकार की सारी योजनाएं घर बैठे ही किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ ई मित्र का रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल राघव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, मैं बबलू राघव। तो फ्रेंड्स आप गूगल पे आपको लिखना है ई मित्र, ई मित्र लिखने के बाद आपको एंटर मारना है और इसके बाद आप पहली जो ऊपर वेबसाइट देख रहे हैं emitra.gov.in, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ई मित्र लॉगिन, यहाँ पे बताया गया है कि सभी सिटीजन जो है वो SSO पोर्टल पर ही लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको करना है कि आप जैसे आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्टर्ड नाउ, तो आपको इस पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला जो है वो भामाशाह आईडी है, दूसरा है आधार कार्ड और तीसरा हम फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं और अपने गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो आधार कार्ड से लॉगिन करना चाहूँगा। जैसे आप आधार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आधार नंबर, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आधार नंबर डालने के बाद आप अपने फेसबुक और गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं। अब मुझे आधार कार्ड पे एक OTP आएगा, जैसे ही आप अपने फेसबुक या गूगल से आधार कार्ड से लॉगिन करते हैं तो इसके बाद आपको अपना पासवर्ड जो वो क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपना एक पासवर्ड जो वो क्रिएट कर लेता हूँ। फिर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो SSO आईडी जो है वो आईडी आपको मिल जाएगी, आप इसका जो कैप्चर इमेज भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो हमने जो अपने हमारी जो आईडी है तो यहाँ पे मैं अपनी आईडी डाल देता हूँ। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद ये जो इमेज है आपको ये इमेज यहाँ पे डालना है 674351। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप देख रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है वो आपके लिए मिल चुकी है, फ्री में मिल चुकी है, आप घर बैठे ही ई मित्र यूज कर सकते हो और सारे फॉर्म जो है वो भर सकते हो। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, जैसे मैंने आधार कार्ड से लॉगिन हुआ हूँ तो डायरेक्टली मुझे लॉगिन होने के लिए पेज जो ओपन मिला है। तो मैं आपके लिए बताऊँ जैसे आप फेसबुक या गूगल से लॉगिन होते हैं तो आपके लिए पहले अपनी प्रोफाइल जो है वो अपडेट करनी होगी। जैसे आप किसी का भी फॉर्म भरते हैं, जैसे यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म है नीचे, आप जैसे उसे भरेंगे तो आपके लिए पहले वो अपडेट करने के लिए बोलेगा। तो आप अपडेट कैसे करोगे वो मैं आपके लिए बताऊं। जैसे आप फेसबुक या गूगल से लॉगिन होते हैं तो डायरेक्टली अपडेट के लिए बोला जाएगा, क्रॉस के साइड में तीन बिंदिया जो देख रहे हैं आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट प्रोफाइल, आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं अपडेट प्रोफाइल के लिए तो आपके लिए एक पेज ओपन होगा। मैं आपके लिए बता देता हूँ, अगर आप आधार कार्ड से लॉगिन होते हैं तो आपके लिए सारी ऑटोमेटिक चीज़ें भरी हुई मिलेंगी, अगर वैसे लॉगिन नहीं होते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस ये सब फिल करना होगा। और यहाँ पे आपको अगर पास आपके पास भामाशाह आईडी है तो वो आईडी जो है वो आपको इस जगह पे डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि, और मैसेज जो है वो मेरे पास आ भी चुका है। अब इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, आप फिर आप यहाँ से अपने कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको सारी योजनाएं मिलती हैं राजस्थान की जितनी भी चल रही हैं और जो ई मित्र में हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो, अगर पसंद नहीं आया है तो अनलाइक मारो, कोई भी आपका कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।